हेलो गाइस, नमस्कार। मैं हूं अशोक कुमार साहू, करियर कोच। आपका स्वागत करता हूं आज का एक नया वीडियो में। आप देख रहे हैं लावण्य ग्लोबल करियर प्लान की यूट्यूब चैनल। अगर आप पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही जो बेल आइकन है उसको प्रेस करके नोटिफिकेशन फॉर ऑल को क्लिक कर दीजिए, क्योंकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, आज का जो वीडियो है, आज हम बात करने वाले हैं, अगर आप होटल मैनेजमेंट फ्रेशर हैं तो कौन सा कंट्री आप जा सकते हैं जॉब्स के लिए या फिर ट्रेनिंग के लिए, और क्या आपको एज ए फ्रेशर विदेश जाना चाहिए या नहीं। तो इन तमाम चीजों के बारे में आज हम डिटेल्स में बात करेंगे। हालांकि ये वीडियो को बहुत मैं शॉर्ट बनाऊंगा, बहुत छोटा, लेकिन शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं बहुत बार कहता हूं कि अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको विदेश नहीं जाना चाहिए, और फिर भी आपका मन है, ड्रीम है, तो आप जा सकते हैं। कौन कौन सा कंट्री आप जा सकते हैं आज मैं बेसिक बताने वाला हूं, जहां पर आप जा सकते हैं। उसके अलावा और भी बहुत सारे कंट्री जहां पर आप जा सकते हैं, लेकिन ज्यादातर आप जा सकते हैं स्टडी में। जॉब में आपको इतना जल्दी वीजा नहीं मिल पाता, लेकिन जो कंट्री आप जा सकते हैं ये नाम सुन लीजिए पहले। दोस्तों, अगर बात करें गल्फ कंट्री का, आई मीन टू से अरब स्टेट का, तो आप जा सकते हैं कुवैत, ओमान जा सकते हैं, कतर, सऊदी अरेबिया एंड UAE, आई मीन यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। दोस्तों, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में भी वहां पर 7 कंट्री हैं, उन 7 कंट्री में भी आप जा सकते हैं, जैसे कि अबू धाबी, दुबई, शारजा, अजमान, अल क्वेन और फुजरा। ये जो 7 कंट्री है दोस्तों, ये आते हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अंडर में, और जो मैंने पहले जो कंट्रीज कहा वो सारे कंट्री आप जा सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा आप जा सकते हैं सिंगापुर, मलेशिया, मालदीव, सेशेल, ये सारे कंट्री जो है इसमें भी आप जाके एज ए फ्रेशर काम कर सकते हैं। हालांकि सिंगापुर जाने के लिए भी प्रॉब्लम है, तुरंत वीजा नहीं मिलता क्योंकि वहां पर कोटा सिस्टम रहता है, तो जल्दी वीजा नहीं मिल पाता, लेकिन एज ए फ्रेशर आप जाके वहां पर काम कर सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा भी आप जा सकते हैं J1 वीजा के साथ USA। J1 वीजा 1 ईयर का मैनेजमेंट ट्रेनिंग होता है। अगर आपको ज्यादा इन डिटेल्स में जानना है कि J1 वीजा क्या होता है, कितना दिन का प्रोसेस होता है, कितना सैलरी मिलता है, तो आप अपना कमेंट्स नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लेके आऊं जिसमें मैं डिटेल्स बताऊंगा J1 वीजा होता क्या है। तो दोस्तों, आज मैंने बताया आपको कि आप एज ए होटल मैनेजमेंट फ्रेशर कौन कौन सा कंट्री जा सकते हैं, लेकिन क्या एज ए फ्रेशर जाना सही रहेगा। मेरा हिसाब से एज ए फ्रेशर तो नहीं जाना चाहिए, क्यों, मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। देखिए दोस्तों, अगर आप एज ए फ्रेशर जाते हैं तो ऑनलाइन जॉब मिलने से रहा, 100 में से 1 बंदे को ही ऑनलाइन में जॉब मिलता है। आप जाते हैं कोई भी कंसल्टेंसी के थ्रू, जिसमें कि 90% कंसल्टेंसी जो है उनको होटल मैनेजमेंट के बारे में पता ही नहीं है, ठीक है। उनको यह भी नहीं पता होता कि कुक क्या होता है और शेफ में क्या डिफरेंस है। जब भी कोई वैकेंसी आता है कुक का, तो किसी भी होटल मैनेजमेंट ग्रेजुएट को वो भेज देते हैं, और होटल मैनेजमेंट ग्रेजुएट को समझ में नहीं आता फ्रेशर एज ए फ्रेशर, उनको मतलब होता है जॉब में जाना है और चले जाते हैं, और बाद में उनको बहुत सारे प्रॉब्लम, कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो अगर कोई फ्रेशर इंडिया में काम करता है 5 महीना 6 महीना 1 साल 2 साल, तो उनको इंडस्ट्री के बारे में प्रॉपरली समझ में आएगा, और उसके बाद अगर वो विदेश जाते हैं, फॉरेन कंट्री जाते हैं, तो उनके लिए आसानी हो जाती है वो एटमोस्फियर को एडॉप्ट करने के लिए, लोगों के साथ मिलजुल काम करने के लिए। क्योंकि स्पेशल जितना भी कंट्री मैंने कहा जो फ्रेशर जा सकते हैं, वहां पर तमाम डिफरेंट कंट्री के लोग एक साथ काम करते हैं, जहां पर आपको प्रेशर झेलना इतना आसान नहीं होता। तो कहीं ना कहीं अगर आप 6 महीना से 1 या 2 साल का एक्सपीरियंस ले लेते हैं इंडिया में और जाते हैं, तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाती है जो कल्चर है, जो लोग हैं, उनको एडॉप्ट करने में काम करना आपके लिए आसान हो जाता है, ठीक है। दोस्तों, फिर भी आप चाहते हैं, आप सोचते हैं कि भाई आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जाके किसी भी लोगों के साथ में काम कर सकते हैं, तो एज ए फ्रेशर मैंने जितना कंट्री का नाम बताया वहां पर आप जाके काम कर सकते हैं। बात करें सैलरी का, तो दोस्तों सैलरी इंडिया और एब्रॉड में बहुत डिफरेंस है, यानी कि आपको 100% ज्यादा सैलरी मिलता है। एग्जाम्पल बताता हूं मैं, अगर आप इंडिया में 10 से 12 हजार 15 हजार कमाते हैं,
वही काम आप गल्फ में कम से कम 30 से 40 हजार रुपए कमा सकते हैं पर मंथ। उसके अलावा आपको फ्री फूड, एकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकल, इंश्योरेंस, सारी चीजें कंपनी की तरफ से मिल जाता है, तो है ना, अच्छी बातें होटल मैनेजमेंट के लिए। लेकिन इंडिया में इसलिए कहता हूं कि इंडिया में अगर काम करते हैं तो आपको बेसिक नॉलेज जो है उसमें आप स्ट्रांग हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों आप क्या सोचते हैं, क्या एज ए फ्रेशर किसी भी स्टूडेंट्स को होटल मैनेजमेंट करने के बाद विदेश जाना चाहिए? अगर आपका राय हाँ है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, मुझे भी तसल्ली मिलेगी कि आप क्या सोचते हैं। अगर आप सोचते हैं कि नहीं जाना चाहिए तब भी आप अपना कमेंट नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। अगर आपके मन में इस प्रकार कोई और दुविधा हो जॉब्स को लेके, सैलरी को लेके, किसी भी कंट्री के बारे में, तो आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करके डीएम कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आप जो भी इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं उसे मैं वीडियो के माध्यम से साझा करूंगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नया वीडियो में नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप रखें अपना ख्याल और मुझे दे इजाजत। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।